हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस योर जॉब्स। आज जो हम एसएससी जेई 2018 कट ऑफ की बात करेंगे और इसकी जो है हम कंपैरिजन के साथ बात करेंगे, वैकेंसी वाइज भी बात करेंगे और ब्रांच वाइज भी बात करेंगे, और आपके जो है ईयर वाइज ईयर में भी देखेंगे कि 2-3 सालों में इसका क्या कट ऑफ रहा है। तो हम तीनों की बात करेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो इन सब चीज़ों की बात जो है अभी करेंगे बात। देखिए, अभी जो है एसएससी जेई 2018 कट ऑफ का जो एनालिसिस होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वैकेंसी वाइज और ब्रांच वाइज दोनों वाइज करेंगे, और डेट कब तक आता है इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 2016 की बात कर लेते हैं। तो 2016 में जो है फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं कि 200 मार्क्स का होगा जो हुआ था, और उसका वैकेंसी 1507 वैकेंसी है। उसमें जो है आपका जनरल का 100 गया हुआ था और ओबीसी की 92.5 है, एससी की जो है आपका 84 है, एसटी का 85 है 0.50 और ओएच का 72.50 और एचएच का 40 है। उस समय जो है आपका वैकेंसी, देखिए अच्छा खासा वैकेंसी है आपका 2016 में, जिसमें सिविल का जो है 951 सीट था, इलेक्ट्रिकल का 228 था, मैकेनिकल का 25 था। मैकेनिकल का हमेशा जो है थोड़ा कम ही होता है एसएससी में। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की क्या गई हुई थी वैकेंसी, कट ऑफ क्या थी। तो उसकी जो है 115 गई थी ओबीसी का, 109, 99 एससी का, 94 जो है एसटी का, और ओएच का जो है आपका 87 और 54 एचएच का। 2017 में देखें, 2017 में तो उसकी जो है आपका वैकेंसी जो है बहुत कम था, ये 362 वैकेंसी टोटल थी, ठीक है, जिसमें आपका 256 वैकेंसी सिविल का था। देखिए सिविल में जो है उस समय जो है 117 गई हुई थी जनरल में, ओबीसी में 110, 101 गया था एससी में, 105 एसटी में, 91 जो है ओएच का गया हुआ था, और 61.75 आपका एचएच का था। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो बहुत हाई था, 136.25 था, क्योंकि सीटी कम है तो उसमें जो है थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाता है, और 133 ओबीसी का था, 101 जो है आपका एससी का है, और 105 एसटी का था, 91 जो है इसका ओएच का था, और 61.75 एचएच का था। तो ये तो 2017 का है, आइए 2018 का देखते हैं। तो उससे पहले जो है हम टायर वन और टायर टू दोनों का देख लेते हैं, 2016 और 2017 का। तो टायर वन और टायर टू में देखिए आपका, अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में जो है 2016 में 220.5 गया था टायर वन और टायर टू, मतलब दोनों को मिला के, और ओबीसी में 186, एससी में 164, और एसटी का जो है 163.75, ओएच का जो 139.5, और आपका एचएच जो है 87.50। मैकेनिकल में देखेंगे तो 285.75 था, ओबीसी में 245 था, एससी का जो है 210 था, एसटी का 206 था, और ओएच की बात करें तो 105 था, और एचएच की 126 था। तो ये जो है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 2016 में था। और 2017 की टायर वन और टायर टू की बात कर लेते हैं, तो टायर वन और टायर टू की अगर बात करते हैं तो 244, देखिए हाई गया होता क्योंकि वैकेंसी कम थी, तो 244.75 था, 244 ओबीसी का था, और 220.75 आपका एससी का था, 228 एसटी का था, और 231.25 आपका ओएच का था, और 152 आपका एचएच का था, ये सिविल का है। और उसी तरह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में देखेगा तो 303 था टायर वन टायर टू मिला के, 2017 में 299 जो था आपका, 299 जो है आपका ओबीसी का था, एससी का 268 था, और आपका 265 जो है एसटी का था, 247 जो है आपका ओएच का था, और 174 एचएच का था। तो अब देखिए, अब 2018 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 2018 में जो है आपका सिविल में देखिए, अगर जिस वैकेंसी की, अगर 2018 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी जो है आपका 1600 एक वैकेंसी है, जिसमें आपका सिविल का जो है 1297 वैकेंसी है। तो उसमें जो है इस बार जो है थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा पहले से, तो 112 रहेगा, और 108 जो है आपका ओबीसी, एससी का 100, और आपका एसटी का 97, ओएच का 80, और एचएच का 60 जाएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 135 जगह जनरल में, 132 ओबीसी में, 122 एससी, और 112 एसटी, और 106 आपका 106 जाएगा ओएच का, और 85 जाएगा एचएच का। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका 20 नवंबर 2019 तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, और आ जाना चाहिए, उससे पहले भी हो सकता है आ जाए, वरना जो है नवंबर में आपका लास्ट वीक नवंबर तक तो आना ही आना है। मगर हमको जहाँ तक उम्मीद है, पिछले प्रीवियस जो है रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये जो है रिजल्ट आपका
नवंबर में 2022 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।